क्या शानदार चीज है, वाकई बिल्कुल अलग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं तुषार राय दैनिक जागरण inetlife.com से मैं इसे मौजूद हूँ केडी बाबू सिंह स्टेडियम मोती महल के सामने रोड पे। और ये जो मेरे सामने ये दुकान है, बेसिकली पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ तमाम ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिससे प्रकृति को हरा भरा किया जा सके। लेकिन उसके साथ, क्योंकि मौसम इस समय गर्मी का है, गर्मी का माहौल है, और बिजवानों की रक्षा के लिए भी हमें ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे उनकी भी सुरक्षा हो सके। निश्चित रूप से लखनऊ हो चाहे अन्य शहर हो, परिंदों की सुरक्षा के लिए तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे उन बिजवानों की रक्षा की जा सके। खासकर बुलबुल हो गई, गौरैया हो गई, उनके संरक्षण के लिए तमाम पूरे देश में कई संगठनों द्वारा कई प्रकार के चीज़ों को बताया और समझाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये बर्ड्स हट्स शानदार आप मेरे सामने देख सकते हैं, बिल्कुल अलग टाइप का मुझे नज़र दिखाई पड़ा। और इसकी जो पूरी बनावट है, ये नारियल की जूट से तैयार किया गया है। और इसको बनाने का मेन मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे इसके अंदर आ सके, क्योंकि जो लकड़ी के बने होते हैं बर्ड्स हट, उसमें परिंदे आना ज़्यादा अपने आप को सुकून महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इसमें अगर वो चाहें तो आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। राजधानी के मलियाबाग क्षेत्र में नारियल के जूट से तैयार बर्ड्स होम का कारोबार तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। अच्छा भी है, बेजुबानों की रक्षा भी, और एक नया कारोबार भी, और इतना सुंदर देखने में कि चाहे तो किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। और इतने बढ़िया और किफ़ायत, जो लकड़ी के बर्ड्स होम होते थे उसमें कीलों का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत, और काफ़ी संख्या में लखनऊ शहर में इसकी ख़रीदारी करते हुए लोग फ़िलहाल देखे जा सकते हैं। मलियाबाद से ये शहर में काफ़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस मौसम में। और सुरक्षा की दृष्टि से परिंदों की भी इसे ऊपर की तरफ एक हुक की व्यवस्था की गई है, बरामदे, आंगन, सीढ़ियों के पास, कहीं भी इसे आसानी से आप टांग सकते हैं। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।